नाट्य शास्त्र और रस के बारे में बताऊंगा। साथ में ही वाक्य में अगर हम रस को घोल देते हैं तो उस समय जो आनंद प्राप्त होता है उसके बारे में बताऊंगा, और बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र से ही रस बनाए, और वो रस थे हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, विभत्स रस, भयानक, वीर, और बाद में नवा रस को जोड़ दिया तो वो बन गया शांत रस। तो आज हम हास्य रस और करुण रस के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको हास्य रस में अभिनय करके दिखाऊंगा। जब हम किसी वाक्य में रस को घोल देते हैं, वाक्य कोई सा भी हो सकता है, कोई भी लाइन हो सकती है, अगर हम उसमें रस को घोल देते हैं तो वो बहुत आनंद बन जाता है, वो हमें सुनने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है, और अगर इसको हम परफॉर्म करें तो बहुत अच्छा निकल के आता है। तो मैं बात कर रहा हूं हास्य रस की। हास्य रस, मैं इसमें एक पात्र निभाऊंगा और वो हास्य में होगा। तो ये रहा मावश्री, मावश्री आप कहां है? मावश्री, आज मुझे इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, इतनी खुशी प्राप्त हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मावश्री, आज पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास देकर मेरे प्राणों को बहुत सुकून मिला है। अब पांडव करेंगे वनवास में और मैं रहूंगा इस हस्तिनापुर में, यहां राज करूंगा। पांडव। तो ये था हास्य रस। हास्य रस में हम अलग अलग प्रकार से भी हंस सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको सही रूप में हंसे तो उसका अलग ही आनंद आता है। ये एक पात्र था जिसे मैंने इस रूप में किया। अब मैं आपको करुण रस के बारे में बताना चाह रहा हूं। करुण रस यानी दया, यानी जब हम किसी को रोता हुआ देख लेते हैं तो उसके प्रति हमारी दया की भावना निकल के आती है। तो मैं एक पात्र निभाऊंगा जिसके अंदर मैं रो रहा हूं, तो वो इस प्रकार है। परंपरा की रस्सी, परंपरा की रस्सी हट, मरे गला में हमारी सांसा खोटे हैं, जो जो चाहू भाग लो त्यो तो मन को छोटे है। क्या करूं उजली, मैं इन परंपराओं को तोड़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे मेरे उसूल, मुझे आदर्श ये नहीं तोड़ने देते। यहां तक कि मैं थक गया हूं, मैं क्या करूं। मैं जहां जाता हूं वहां ये मेरे पीछे पीछे बने आते हैं। मैं खुद को बदलना चाहता हूं, लेकिन मैं कैसे बदलू? मैं कुछ नहीं कर सकता उजली, मैं हार गया उजली। तो ये था करुण रस। आज हमने दो रस के बारे में मैंने आपको बताया, हास्य रस और करुण रस, इनको प्रैक्टिकल के भी दिखाया। आप भी घर पर कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस हमें उस पात्र को समझना पड़ेगा कि वो क्या है, क्या चाहता है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। या आप भी खुद नेक्स्ट वीडियो में
मैं आपको भयानक रस और सौंदर्य रस के बारे में बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।